असुरक्षा की भावना, आपने असुरक्षा होती है देश की सीमाओं पे, असुरक्षा होती है घर से बाहर निकलते वक्त, जहाँ पर आपको लगे कि घर से बाहर निकलने के बाद कोई आतंकी हमला हो जाएगा, असुरक्षा होती है कि कोई बीमार है और वो ऑपरेशन टेबल पे लेटा हुआ है तब असुरक्षा होती है, कोई असुरक्षा आती है कि कोई चोर घुसाएगा, इस तरह ही असुरक्षा होती है आपके माइंड में भी। और ये असुरक्षा जो है वो कहाँ से पैदा होती है, वो भय से पैदा होती है, भय उसका मूल होता है, और जो भय के भीतर चला जाता है उसको असुरक्षा का आभास होना शुरू हो जाता है। अब ये भय को आपने कभी पॉजिटिवली लिया है क्या? भय को पॉजिटिवली ले सकते हैं ऐसा विचार करने वाले लोग बहुत कम हैं समाज में, और भय को हमेशा एक नेगेटिव एस्पेक्ट की तरह देखा गया है। जैसे अगर मुझे भय है कि मैं अगर घर से बाहर निकलूँगा तो बरसात आ जाएगी और मेरा काम नहीं होगा, तो ये भय हटाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं पर घर से निकलना पड़ेगा, लेकिन सुरक्षा की भावना के तहत मुझे छाता लेके निकलना चाहिए। तो बात तो बस इतनी सी थी कि मुझे छाता लेना है, लेकिन ये असुरक्षा जब आपके जीवन में बढ़ती जाती है तब आप लोगों का बुरा करना शुरू कर देते हो। अब बुरा करना मतलब क्या होता है, इन द सेंस कि आप अपने स्वार्थ के लिए लोगों के साथ, अपने जो स्वार्थ के लिए जो अपने हित का जो काम होता है उसके हिसाब से उसको नचाना शुरू कर देते हो। आप चाहते हो कि आपकी असुरक्षा मिट जाए, भले उसकी बढ़ जाए, भले उसका भय बढ़ जाए, आपसे भयभीत हो जाए वो, लेकिन आपकी असुरक्षा जो है वो ख़त्म हो जाए और आपका काम होता रहे। कभी आपने ऐसा सोचा कि ये असुरक्षा को हटाने के लिए आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा? कभी आपने ऐसा सोचा कि ये भय कितना अच्छा है, ये फिट रखता है, ये दौड़ाता है? जैसे एक्ट्रेसेस और एक्टर्स की बात ले लीजिए या जो मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, ये लोग अपने आप को फिट रखने के लिए एक चूहा दौड़ कह सकते हैं, एक दौड़ कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग एक दूसरे से कंपटीशन में रहते हैं और उनको सुंदर दिखना है, उनको भला भला दिखना है, उनको फिट दिखना है, इसलिए वो रोज़ जिम जाते हैं, इसलिए वो रोज़ एक्सरसाइज करते हैं और इसलिए रोज़ फिट रहते हैं। लेकिन ये भय, उसके पीछे का भय क्या है? उसके पीछे का भय ये है कि मैं आउट हो जाऊंगा फिल्म इंडस्ट्री से या मीडिया से या इस लाइन से, और जैसे ही फिर वो काम ख़त्म हो जाता है या उनको ऐसा लगता है कि अब मैं मीडिया में नहीं, इंडस्ट्री में नहीं, तो वो अपनी बॉडी को एक मैसेज दे देते हैं कि मैं इस काम में नहीं, मैं इस मीडिया में नहीं, तो ठीक है अब मैं मोटा हो सकता हूँ या अब मुझ में कोई असुरक्षा का आभास नहीं, तो मैं इससे बाहर निकलने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं और मैं अभी रिलैक्स होकर खा सकता हूँ, पी सकती हूँ और मैं अपने आप को किसी भी तरीके से चला सकता हूँ। ये गलत है। सही क्या है? जिस असुरक्षा के तहत आपने अपने आप को फिट किया, आपने अपने आप को उस भय से निकालने के लिए जो आपने काम किए, उन कामों को आपको ज़िंदगी भर करना चाहिए, क्योंकि वो काम जो थे आपको एक सही दिशा में ले चले थे, और उस सही दिशा में आपने ये नहीं सोचा कि इसके पीछे का भय कर रहा है आपकी सहायता। आपने जो भय को इस तरह से लिया कि भय था इसलिए काम किया, भय नहीं है तो काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये भय नहीं होना चाहिए, ये आपकी एक कहते हैं ना, शोल्डर से शोल्डर मिला के एक भय आपके साथ रहे और वो भय आपको दौड़ाता रहे, फिट रखता रहे। इसे कहते हैं एक्चुअल असुरक्षा। अब असुरक्षा के तहत लोग क्या करते हैं? असुरक्षा के तहत लोग एक दूसरे से बुरा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं कि वो उसने मुझे इनसिक्योरिटीज़ दे दी, भले वो उसको छोटे से लेवल पे नहीं, उसको बड़े वाइड एस्पेक्ट में सोचिए कि असुरक्षा कहाँ कहाँ होती है। तो प्रेम प्यार के अफेयर्स में भी असुरक्षा होती है कि सामने वाला इंसान मुझे फ़ोन नहीं करेगा, मुझे मिलेगा नहीं, मुझे प्यार नहीं करेगा, मुझे छोड़ देगा, और फिर लोग क्या क्या नहीं करते उस चीज़ को पाने के लिए, कहते हैं ना, ब्लैकमेल होना शुरू हो जाते हैं, अपने आप को तकलीफ़ देना शुरू हो जाते हैं। हालांकि हर इंसान को पता है कि ये जो संसार का नियम है कि जो जितनी चीज़ें आई हैं सब नश्वर हैं, वो इंसान जिसके लिए आप बहुत तड़प रहे थे और वो एक घड़ी जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे, वो आने के बाद उसकी मोमेंटरी जो प्लेजर है वो कितनी रहेगी ये आपको भी नहीं मालूम, या वो घड़ी आएगी ही नहीं। वो इंसान ने रहना है कि नहीं रहना है वो भी आपको नहीं मालूम। आपको ये भी नहीं मालूम कि अगले पल आपके साथ क्या होना है। जब आपको पता ही नहीं कि अगले पल आपके साथ क्या होना है, तो हर पल की कहते हैं ना खुशी मनाते हुए, इस असुरक्षा को धत्ता बताते हुए, क्या आप आगे नहीं बढ़ सकते? क्या आप ऐसा नहीं सोच सकते कि ये असुरक्षा मुझे डराए, इससे पहले मैं इसको डरा दूँ? क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि मुझे जितनी चीज़ें
डराती हैं, ब्लैकमेल करती है जो असुरक्षा आपको, उस ब्लैकमेलिंग का जवाब देने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपने कभी उस दिशा में सोचा कि ये जितनी बातें हैं, जैसे अभी एक तो मैंने प्रेम व्यवहार की आपको बात बता दी, दूसरी बात होती है कि मैं बेघर हो जाऊंगा, कई लोग सोचते हैं पहाड़ों पर रहने वाले कि यहाँ पर बाढ़ आ जाएगी, यहाँ पर वो हो जाए, तो उपाय ढूंढने हैं ना, उपाय ढूंढना है ना, हर चीज़ का उपाय ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये चीज़ पर ध्यान देना कि ये चीज़ मुझे सता रही है तो अभी तो फ़िलहाल तो मैं इससे निजात पा लूँ, बाकी देखा जाएगा बाद में। बाकी जब आप बाद की बात करते हो कि आप देखोगे और करोगे तो उसमें आप फंस जाते हो, उसमें आप इतना धंसते जाते हो, फिर लोग आपको ब्लैकमेल पे ब्लैकमेल करते ही रहते हैं, लोग आपके कमज़ोरी बना लेते हैं उस पॉइंट को, और कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने के लिए पूरी दुनिया बैठी है। अब आप ये तय कीजिए कि आपको कमज़ोर रहना है कि आपको स्ट्रांग रहना है। तो स्ट्रांग रहने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? ध्यान, योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वॉक करना, अच्छी अच्छी बातें करना, संगीत सुनना, इसके अलावा संगीत सुननी भी बहुत बड़ी थेरेपी है, इसके अलावा आप अपने कहते हैं ना खाने पीने को सुधारिए, अपने आचार विचार ठीक करिए, नियम ठीक करिए, अपने संयम ठीक करिए। आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव सोचना शुरू करिए। आपने पहले ये कह दिया हाँ मुझे इस बात का डर है, ओके तुमको डर है, हर इंसान को डर है, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को बहुत डर लगता है कि बच्चा कैसे पैदा होगा, तो डर की शुरुआत तो आपके पैदा होते से ही शुरू हो गई। डॉक्टर को ये डर होता है कि ये डिलीवरी ठीक से हो जाए, माँ को ये डर होता है कि बेटी अच्छे से बच्चा जन्म ले, पति को ये होता है क्या होगा, कोई सास को लग रहा होगा कि लड़का पैदा हो जाए, तो असुरक्षा तो उस समय से शुरू हो गई जब आप इस धरती पे आए। आप ये नहीं सोच सकते कि चारों तरफ से लोग आप ही के विषय में सोच रहे हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। अब आपका भविष्य बनाना आपके हाथ में, कभी आपने ये सोचा कि वर्तमान ही ठीक नहीं होगा, ये पल ये समय जब आपने अच्छे से नहीं जिया, आपने कुछ भी कहा, आपने कुछ भी किया, आपने कुछ भी खाया, आप किसी तरह से रहे, तो आपका भविष्य क्या है? आपका भविष्य यही वर्तमान है, जो बीत गई सो बात गई, और जो आगे की सुध ले, तो आगे तो देखा नहीं लेकिन ये तो देखा है, आगे की सुध लेना बराबर है, बट ये जो चल रहा है इसके बारे में कौन सोच रहा है? ये जो चल रहा है उसमें बदहवास होके जी रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, किसी के साथ कुछ भी कर रहे हैं, भैया मैं तो सिक्योर हो जाऊँ, भैया मैं तो इस डर से निकल जाऊँ, मुझे निजात मिल जाए, लेकिन इस निजात मिलने में किसी का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है ये आपने कभी सोचा? दूसरे के जगह पे बैठ के सोचने से कि उसको कैसा फील हो रहा होगा जब मैं ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तब आपको पता चलता है कि असली मनस्थिति क्या है दूसरे की। जब आप दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करते तो आपके साथ समाज नहीं होता। आपके साथ समाज होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरे की भावनाओं की, उसके समय की, उसकी कीमत, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, आप उसका आदर कीजिए। जैसे आप अपने शरीर का आदर नहीं करते तो आपका शरीर आपका आदर नहीं करता। मेरे गुरुजी कहते थे, बाबा श्री कहते थे हमेशा कि शरीर की इज्जत करो तो शरीर आपकी इज्जत करवाता है। तो शरीर की आपने इज्जत नहीं की तो शरीर की इज्जत ही नहीं की तो शरीर आपकी क्या इज्जत करवाएगा, है ना? तो शरीर की इज्जत करना पहले सीखिए, फिर उसके बाद मन की इज्जत करिए, फिर अपनी भावनाओं की इज्जत करिए। जब आप खुद की इज्जत करना शुरू कर देंगे तब आपको ये पता चलेगा कि लोगों की इज्जत कैसे की।